यहाँ तो धूप तो इतनी चिलचिलाती धूप है और खुशी को इनको खांसी भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये जी में इसका लॉन्ड्री है उधर, जिसमें कपड़े वगैरह साफ होते हैं। ये डॉक्टर का कैफेटेरिया है आगे, और इसी के जस्ट बगल में पुलमोनरी डिपार्टमेंट है जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। हे गाइस नमस्ते प्रणाम। तो आज हम आ गए हैं हॉस्पिटल है पटना के IGMS में, और हम यहाँ से ही अपना इलाज करवाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि इतनी धूप थी कि चलते चलते थक जाते थे, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि डबल मास्क लगा के आने के लिए, तो इसलिए मुझे डबल मास्क लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी के हाथ में सारा पुर्जा है, जितना भी रिपोर्ट हमारा आया हुआ है सब इसी में, और टेबलेट भी ले लिए थे क्योंकि टेबलेट खाए हुए नहीं थे। और हस्बैंड जी तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, और हम भी पूरा परेशान हो जाते हैं क्योंकि समझ सकते हैं इतना धूप में, लेकिन क्या करेंगे, बीमारी है तो डॉक्टर का तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा। हम लोग पता है बाबू को घर पर छोड़ के आए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोज़ का रोज़ हॉस्पिटल दौड़ना होता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि हालत ख़राब हो जाता है। देखिए इतना मतलब IGMS में ना होता क्या कि रिपोर्ट भी देने में टाइम लगता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल है, इतना दिन से हम बाहर दिखा रहे थे उससे तो कहीं ना बेटर हॉस्पिटल है कि यहाँ पे मुझे अपने बीमारी का पता चला और यहीं से हम अभी दवाई ले रहे हैं। बाकी कौन कौन इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएँ कमेंट करके बताइएगा। और हम आगे आगे चल रहे थे, और हम हस्बैंड जी को बोले थे, वो तो ज़्यादा दौड़ दौड़ के जाते थे, हम बोले थे आप धीरे धीरे चले, क्योंकि ना मैं धूप से भी एलर्जी है और धूप पे देख करके तो और मुझे खांसी होने लगती है। अभी तो मैं इतना कमज़ोर हो गए हैं कि क्या बताएं, चल भी नहीं पाते हैं। और रोज़ रोज़ हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते ना मेरा पैर, जब से पैर में फोका टाइप का हो गया था, तो सोचे थे कि हस्बैंड जी को भेज देंगे अकेले और हम नहीं आएंगे, लेकिन हमें भी आना ज़रूरी होता है क्योंकि रोज़ टेस्ट होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पे धूप लग रहा था तो हम बोले थोड़ा सा रुक जाए, बाकी क्या बताएं, खांसी इतना हमको कभी कभी तेज़ हो जाता है ना, जो लगता है कि पूरा मेरा शरीर का जो है ना हड्डी टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम बोले कि चलिए धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि जाना तो था ही, और इधर गाड़ी भी बहुत कम ही चलता था। ये वाला डिपार्टमेंट में अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे दवाई सब मिलता है, क्योंकि ना इसका लगभग हाफ किलोमीटर से शायद ज़्यादा चलना पड़ता है तब जाके हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और यहाँ पे दवाई भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये दवाई वाला काउंटर है, तो अब दवाई तो हम पहले ही ले चुके थे, और बाकी धूप की दिखाए तो देखिए धूप कितना ज़्यादा है, तो हम सर पे सोचे कि दुपट्टा ले लेते हैं क्योंकि धूप से हमको एलर्जी भी है और धूप है, लेकिन मुझे भी जाना होता है डेली क्योंकि हमें भी ना रोज़ का कभी कभी होता है कि ब्लड जाँच होता है, और फिर भी बलगम वगैरह सब का, खांसी थूक ये सब का जाँच होता है, तो हमें जाना पड़ा था। तो और ब्लड भी हमारे शरीर में बिल्कुल कम हो गया है और वज़न भी घट रहा था, तो हम सोचे कि चलो चलिए चलते हैं साथ में ही। तो धूप की वजह से ना और मेरी हालत ख़राब होते जा रही थी, मतलब धूप रहता है ना तो और मुझे चक्कर सब आने लगता है, तो हमको इसी डिपार्टमेंट में अभी डॉक्टर से दिखाना था, यहीं पर हम जो है डॉक्टर बैठती है। तो अभी हम आगे आगे जा रहे थे, और आज डॉक्टर से कुछ हमको विशेष काम था, कुछ पूछना भी था क्योंकि बहुत सारा डॉट्स रहता है ना मन में इस बीमारी में, तो इसलिए हम सोचे कि आज अच्छा से डॉक्टर से पूछेंगे कि कैसे क्या करना पड़ेगा। और भीड़ की तो बात ही बताइए, भीड़ इतना ज़्यादा रहता है ना, जो गर्मी, एक तो गर्मी ऊपर से इतना ज़्यादा भीड़, क्या बताएंगे आपको, हालत ख़राब हो जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है अंदर में, लोग जैसे तैसे बैठे रहते हैं, क्या करेगा, दिमाग ख़राब हो जाता है, और बहुत सारा टाइम लाइन लगना होता है तब जा कर के जो है यहाँ पे डॉक्टर देखती है। और फैन तो लगा हुआ था यहाँ पे, बट देखिए लोग कैसे रहते हैं, मतलब ना पता है पेशेंट के साथ ना पेशेंट का हालत ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, ऊपर से सेकंड फ्लोर पे चढ़ना होता है, चढ़ करके मतलब पैर बताए ना पता है पैर जैसे लगता है ना कि उखड़ जाता है मेरा चलते चलते। और सबसे ज़्यादा हमको अभी प्रॉब्लम है ना खांसी का, क्योंकि फीवर आता है, उल्टी होता है, ये सबसे तो उतना हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खांसी जब होता है ना तो तबीयत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रही थी कि खाना कहाँ मिलता है, तो बोले थे कि नीचे खाना दे रहा है, और यहाँ पे हम पहुँच गए और अभी चलेंगे डॉक्टर के पास, पहले डॉक्टर से बात करते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से।
तो फिलहाल अभी हम लोग गए थे मेडिसिन जो डिपार्टमेंट में मैडम देखती हैं हम लोगों को पहले दिन से ही उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन वो फिलहाल अभी कहीं चली गई है। तो 3 बजे के बाद बोली है कि बैठेंगे, और मैम ने ये रेफर किया था कि चेस्ट डिपार्टमेंट पुलमनारी में दिखवाइएगा। तो चेस्ट में एक बार हम लोग अभी चलते हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास अभी की करेंट रिपोर्ट अवेलेबल हुई है ना, जिन्होंने जो डॉक्टर सजेस्ट किया था, तो उनको हम लोग अभी जा करके दिखवाएंगे। और चलिए दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। अब IGMS में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। फिलहाल तो अभी नहीं देखा भीड़ आपको, लेकिन जब नंबर लगाना होता है फिर डॉक्टर देखते हैं, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे पेशेंट को ना लाइन में लगा के रखना होता है। फिलहाल हम लोग अभी उधर जाएंगे कोने में, और सबसे लास्ट बिल्डिंग है ये IGMS का, जिधर हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। चलते हैं फिलहाल हम लोग उधर। तो अभी जो है देखिए यहाँ पे आ गए हैं, और यहीं से हमारा मतलब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो हमारे जो बीमारी है उसका डिपार्टमेंट ये है। और यहाँ पे भी लाइन में लगना होता है घंटों, तब जा कर के देखते हैं। तो हम लोग बोले कि अंदर जा कर के पहले पता करते, देखिए कैसे कैसे भीड़ रहता है यहाँ पे। और यह डिपार्टमेंट अलग भी है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे उस चीज़ का अलग मतलब अलग डॉक्टर देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ पे हमको ब्लड जाँच करवाना था, और यहाँ पे पता है मेरा पूरा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था। और यहाँ पे बैठे हुए थे, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था क्योंकि फ़ैन तो था नहीं, सारे लोग ऐसे ही गर्मी में बैठे हुए थे। लेकिन अभी हमको 3 घंटा इंतज़ार करना होता है, तब जा कर के 3 बजे यहाँ पे जांच होता है। तो हम लोग सोचे कि यहीं पे आराम करते हैं। तो वैसे अभी गए थे हम लोग IGMS, आपने देखा जैसे, और अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी है। और बाहर अगर दिखाऊँ ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारा शर्ट भी पूरा गीला हो चुका है, और खुशी भी पूरी भीग गई है। और डॉक्टर बोले थे खुशी को पानी से बच के रहने के लिए, मतलब ठंडी मौसम से, ठंडे चीज़ों से। तो यहाँ पर एक रूम बनता था, तो उसके हम लोग नीचे अभी देखिए, और उसके नीचे अभी हम लोग खड़े हैं, बाकी देखते हैं बारिश कब खत्म होती है। वो काफ़ी 1.5 घंटा समझो कि बारिश में हम लोग पड़े हैं। यहाँ से रूम हमारा लगभग 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से पैदल ही जाना होता है मेन रोड से। तो मेन रोड के बगल में हम लोग खड़े हैं, बाकी दिखाते हैं पटना में बारिश का नज़ारा। बारिश तो 2-3 महीने से हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश होने के बाद काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है। और यहाँ देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि हम समझो कि 15-20 फीट तक लगभग ये पानी अभी आ रहा है। ये देखिए कुछ बारिश का ऐसा नज़ारा है, हम लोग देखिए लगभग 10-15 फीट के दूरी पर खड़े हैं, और बाकी देखिए पानी झमाझम बारिश हो रही है एकदम, बादल भी गरज रहे हैं। और ये नई कहीं कोई नया रूम बन रहा है इसकी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखिए सीमेंट का बोरा सब है। यहाँ पर खुशी भी खड़ी है और हम भी खड़े हैं, काफ़ी यहाँ पर गंदा भी है क्या जी।